जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बारे में बताएं कुछ थोड़ा सा। मैं जो हूँ ये मैट्रिमोनियल सर्विसेज करती हूँ। आई एम अ लोकल फ्रॉम माउंटेन हाउस कैलिफोर्निया। ओके। जो और मैं आई वर्क ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स एंड सम ऑफ कनाडा। ओके। एंड आई हेल्प आउट विद द मैट्रिमोनियल स्टफ, काउंसलिंग एंड इंशाल्लाह जिसको भी जिस किस्म की हेल्प चाहिए। Even I work with the divorced people. यहाँ ये बड़ा मसला है, यहाँ सिंगल माम सिंगल पेरेंट और बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है मेरे क्लाइंटल ऑल आर प्रोफेशनल, ऑल आर मोस्टली 28 अबव। मैं आज गिव लाइट में सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि मुझे लोकल ज़्यादा चाहिए, लोकल क्लाइंटल। बिकॉज ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडियन होते हैं या ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडियन। हाँ, इनका भी बड़ा मसला है यहाँ पे अमेरिका में भी देखती हूँ, हर दूसरा तीसरा जो है ना मसला सिंगल पेरेंट्स का होता है। क्या वजह क्या है? शादियाँ कामयाब नहीं होती, शादियाँ कामयाब नहीं होती, शादियाँ। अभी मेरे पास जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो टू कनेक्ट द लोग और कनेक्ट द वंस दे आर आउट ऑफ स्कूल द किड्स। मोस्ट ऑफ द ओवरवेलमिंग सिचुएशन राइट नाउ इज के जो है दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम टू मीट। हमारी मस्जिदों में कनेक्शन नहीं है, हमारी मस्जिदों में मैट्रिमोनियल सर्विस नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है कि डाटा बेस जो है हम इस मस्जिद से उस मस्जिद कनेक्ट करके टू गेट देम इंट्रोड्यूस टू लीजर। पकड़ेगी तो बहुत एडवांस लेवल पे, हाई लेवल पे जा रहा है, प्रोफेशनल लेवल पे करती है सारे काम। तो डू यू हैव सम असिस्टेंट और यू डू इट पर्सनली? स्लोली स्लोली यू डू इट। आई स्टार्टेड आउट एक्चुअली 2 years अगो। ओके। बहुत सारी लेडीज यहाँ पे ये करती हैं, दे स्टार्ट आउट एज व्हाट्सएप पे सिर्फ। All they do is text information to each other. They share के हमारे पास ये मैच है, आपके पास ये मैच है। We don't even know each other. We are doing it fee sabilillah and we are doing it from our homes. All of them. अच्छा, ये मैं पूछने लगी थी, आपने बताया माशाल्लाह fee sabilillah आप काम करें, तो आपके चार्जेस वगैरह और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कुछ थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए ताकि लोगों को भी एक हो जाए आइडिया। They don't not too much charges. तो मैं करती थी 2 साल तक मैंने सिर्फ व्हाट्सएप किया। अच्छा। और मैं किसी से बात नहीं करती। अच्छा। अब लेटली ये हुआ कि एक्चुअली मैंने फोन उठा के बहुत स्टैग्नेंट हो गया था कि कुछ मैच मेकिंग हो नहीं, लोग जरूरतमंद होते हैं। तो फिर मैंने जब फोन उठा के जब बात करनी शुरू की लोगों से तो इतने प्रॉब्लम सामने आए, बहुत ज्यादा, ओह माय गॉड, इतना ज्यादा मुझे समझ में आने लगी चीजें कि क्या गैप्स हैं बीच में और क्यों नहीं हो रहा। एक तो हो नहीं रहा, जो हो के जो सिंगल मॉम्स आती हैं उनके ज्यादातर एक रीजन में समझ पाई हूँ कि यहाँ पे आके, क्योंकि मैं तो विजिटर हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं खासतौर से खवातीन कम हो रहे हैं, समझते कि हमें ग्रीन कार्ड मिल गया और सारा कुछ मिल गया, बहुत ही इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन वो बात के जो मसाइल हैं उनको नहीं विजुलाइज कर सकती। मैं एक्चुअली आई डील विद द मैट्रिमोनियल स्टफ, आई डोंट डील विद आफ्टर डिवोर्स स्टफ। द थिंग्स दैट आई फेस सबसे नंबर वन वाज के कोई फोरम ही नहीं है कहाँ मिले, ना लड़के मिल पा रहे ना लड़कियाँ। वंस दे आर इन द प्रोफेशनल लाइफ ऑल दे आर मीटिंग आर नॉन मुस्लिम। आपकी मैट्रिमोनियल सर्विस का क्या नाम है? सिर्फ जस्ट मैं नौशीन। मैंने अभी जो है नाम ऐसा सच रखा नहीं, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि आई विल कीप इट एज नॉर्थ अमेरिकन। ओके। क्योंकि मेरा जो है US में भी है और कनाडा में थोड़ा है, ज्यादातर विद इन US के नाम से। जी चले, मुझे बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे कि आपके जो रिश्ते हों कामयाब हों और आप एक अच्छा नाम, तो मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ आपने। थैंक यू सो मच।